मैं नीलमा गोयल गोयल किचन में आपका स्वागत करती हूँ। सर्दियाँ आ गई हैं और सर्दियों में हमें तरह तरह की गरम गरम बढ़िया बढ़िया चटपटी चीज़ें खाने का बड़ा मन करता है, और अगर ऐसे में हमें पनीर का पराठा गर्मा गर्म मिल जाए चटनी और दही के साथ, क्या बात है। आइए हम आपको बताते हैं कि हम अपना पनीर का पराठा कैसे बनाते हैं, और हम आपके साथ में एक ट्रिक भी शेयर करेंगे जो आप किसी भी पराठे में अगर बनाएंगे तो आपका कोई भी पराठा फटेगा नहीं। जिस जो भी आप स्टफ भरेंगे उसमें वो आपका पराठा एकदम बढ़िया फूला फूला और एकदम करारा बनेगा। आइए हम अपना करारा करारा पनीर का पराठा बनाते हैं। ये हमने नॉर्मल गेहूं का आटा ले लिया है पराठे बनाने के लिए। इसमें स्वादानुसार आप नमक डाल दीजिए थोड़ा सा, और उसको सबको नमक को अच्छे से मिक्स कर लीजिए, और सबको जब मिल जाए तो उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और एक अच्छा सा डो बना लीजिए। डो हमें ना ज़्यादा सॉफ्ट बनाना है और ना ज़्यादा हार्ड बनाना है, नॉर्मल जैसे हम अपने पराठों के लिए बनाते हैं घरों में वैसे ही आप इसको बना लीजिए। ये देखिए हमने एक कितना बढ़िया डो बना लिया है, इस तरह का डो होना चाहिए, और इसे आप थोड़ी देर के लिए ढक के रख दीजिए जिससे कि थोड़ा सा अच्छा हो जाए। स्टफिंग के लिए हमने ये पनीर ले लिया है 100 ग्राम, उसको कद्दूकस कर लिया है। ये ग्रीन चिली ले ली, उसको छोटा छोटा काट लिया, और धनिया को पहले से धो के सुखा के आप तब उसको छोटा छोटा कट कट के रखिए। अब हमने इसमें रेड चिली डाल ली, आप अपने मर्जी से डालो या ना डालो, और ये थोड़ा सा हमने जीरा डाल दिया, आप अजवाइन भी डाल सकते हो। अब इन सबको आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए जिससे कि हमारी सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। इसमें आपको नमक नहीं डालना है। अब हम पराठा बनाना शुरू करेंगे। बड़ा ही सिंपल पराठा बन जाता है आराम से। अभी हम अपने आटा हमने जो रख दिया था उसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे अच्छे से, और छोटे छोटे उसके पेड़े बना लेंगे। आप जितना चाहो एक लड्डू के बराबर या जितना बड़ा थोड़ा चाहो उसी हिसाब से आप बना लीजिए, और थोड़ी सी डस्ट लगा के इसे अच्छे से आप दबा के और थोड़ा सा बेल लीजिए जिससे कि आपको इसमें स्टफिंग डालने में परेशानी ना हो, और जब थोड़ा सा एक समान हो जाए तो उसमें आप अपनी एक चम्मच या डेढ़ चम्मच जितनी आपको स्टफिंग लगे, ज़्यादा मत भरिए नहीं तो वो आपको पराठा फट जाएगा। थोड़ा सा ऊपर से सूखी उसमें डस्ट डाल दीजिए, सूखा आटा उसमें डाल दीजिए जिससे कि आपका पराठा नहीं फटेगा। ये हमारी ट्रिक है, और आप इस तरह से अगर पराठा बनाएंगे तो आपका पराठा बहुत ही अच्छा बनेगा। और आप इसको अच्छे से ऐसे बंद कर दीजिए, और ये देखिए चारों तरफ से ऐसे ऐसे कर दीजिए, इसको दबा दीजिए। इसे प्रेस करने से इसमें जो एयर भर जाती है वो चारों तरफ से निकल जाती है, और थोड़ा सा डस्ट लगा के आप इसको अपने पटे पर रख के थोड़ा थोड़ा दबा के और इसको अच्छे से बेल दीजिए। इसको बिल्कुल एक समान बेलिए, ना किनारे से मोटा ना बीच से। देखिए हम पराठे को बेल रहे हैं ना, कहीं से खुल भी नहीं रहा है ना कहीं से फट रहा है, और कितना बढ़िया गोल एकदम से बेल गया हमारा और एक सार। अब देखो आप इसको उठा के तवे पर डाल दीजिए, और जब वो एक तरफ से आपका सिक जाए बढ़िया सा अच्छा आपको लगने लगे तब आप इसको पलटिए। ये देखिए पलट दिया ना, कितना बढ़िया करारा हो गया। और इसमें बटर लगा लीजिए या घी लगा लीजिए, और इसको उलट पुलट करके अच्छा सा करारा बिल्कुल सेक लीजिए। देखिए क्या बढ़िया पराठा बनता है। बिल्कुल पराठा देखिए हमारा बन के बिल्कुल तैयार हो गया है, ये कितना अच्छा लग रहा है। अब आप इसको निकाल लीजिए, और चटनी और दही या आप जो भी जिस चीज़ के साथ खाना चाहें खाइए। बन गया ना देखिए हमारा पराठा कितना करारा क्रिस्पी। और अगर आप हमारे इसी तरीके से हमारे ट्रिक को यूज़ करेंगे तो आपके कोई भी पराठे ख़राब नहीं होंगे, फटेंगे नहीं। आपको और भी तरीके के अगर पराठों की रेसिपी चाहिए हो तो हम आपको सब बताएंगे। आप कमेंट्स बॉक्स में हमें बताइए कि आपको कौन कौन से पराठों की रेसिपी चाहिए, और आपको अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। बाय बाय।